हाय, मैं विडल सखिया एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं इस पर्टिकुलर सेशन में। आज के सेशन में हम एक बहुत ही सीक्रेट फॉर्मूला देखने वाले हैं जिससे 100% सेल्स कन्वर्ट हो जाए। एक ऐसी टेक्निक देखने वाले, एक ऐसी मेथड देखने वाले हैं जिससे ज्यादातर पर्सन अपने सेल्स को कन्वर्ट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स क्विकली इन्वाइट अवर प्रोफेसर चित्रेश सोनी, जो आज के इस पर्टिकुलर सेशन को बहुत 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 अच्छे से और डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सेल्स का जो बोनस पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, इनको समझिए। जब भी आपके कस्टमर्स आपको कोई ऑब्जेक्शन देते हैं, उस समय आपको ऑब्जेक्शन सुनने के बाद अपने कस्टमर को इनडायरेक्टली मैसेज देना है कि आपके प्रोडक्ट से उनको क्या बेनिफिट हो सकता है। इसको विवेक बिंद्रा जी बोलते हैं कि आपको क्वांटिफिकेशन करके बताना है। क्वांटिफिकेशन मतलब, जैसे मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो आप अपने कस्टमर को बताइए कि सर मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो आपको 50 नए कस्टमर जनरेट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक लीड कैप्चर करता है गूगल से, और ये गूगल से आपके रेलेवेंट कस्टमर्स को मैसेजिंग भी कर सकता है। तो आपको कम मैन पावर का यूज करके ज्यादा बिजनेस आ सकता है। मतलब आपके एक दो व्यक्तियों का सेल्स का पैसा भी बचेगा। मतलब यदि आप एक बच्चे को 50,000 दे रहे हो तो आपका 1,00,000 रुपए तो सेल्स का बचाएगा मेरा सॉफ्टवेयर, प्लस जो नए कस्टमर एक्वायर करने में आपकी कॉस्ट आती है 1,50,000 रुपए वो भी बचाएगा। मतलब यदि आप मेरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जिसकी कीमत केवल 50,000 है, तो पहले ही महीने में मेरा सॉफ्टवेयर आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 2,50,000 रुपए कमा के दे सकता है, 2,50,000 रुपए आपकी ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है। जब आप अपने कस्टमर को ऐसा बताओगे तो आपका कस्टमर का दिमाग घूम जाएगा और वो कहेगा यार ये प्रोडक्ट ही मुझे लेना है, क्योंकि इस प्रोडक्ट में मेरे दो मैन पावर का भी पैसा बच रहा है और नए कस्टमर्स को एक्वायर करने में भी ये हेल्प कर रहा है। एक बात जो हम मिस्टेक करते हैं सेल्स के प्रेजेंटेशन के दौरान, कि हम समझाने की कोशिश तो करते हैं पर पहले खुद नहीं समझते हैं। मतलब आपके प्रोडक्ट को आपने खुद ही नहीं समझा है और आप दूसरों को समझाने की कोशिश करोगे तो ये काम नहीं होगा। आपको यदि अपने कस्टमर्स को कुछ समझाना है तो उसके लिए पहले खुद समझना पड़ेगा। तो आपको अपने प्रोडक्ट को पूरा घोंट के पी जाइए। पूरे प्रोडक्ट के बारे में आपको एक एक चीज मालूम होना चाहिए। आपको अपने कस्टमर को उसके बेनिफिट बताना आना चाहिए। आपके प्रोडक्ट को यूज करने का कस्टमर्स के आउटकम्स क्या निकलेंगे, क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो आपको बताना पड़ेगा। आप जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि आपको कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आपको बेचू नहीं बनना है, आपको चिपकाने नहीं जाना है, आपको अपनी बातों से इस बात का एहसास कराना है कि आप उनकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या आप उनके कोई फ्यूचर गोल में आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हो। जैसा मैंने पहले एग्जांपल लिया था कि मेरे पास कोई यदि इंटरव्यू देने आया और उसने मुझसे कहा कि सर मैं आपका 2025 का विजन आपको 2024 तक अचीव करा दूंगा, बस एक लाइन में मैंने उसको हायर कर लिया क्योंकि उसने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली, मेरे फ्यूचर के गोल को पूरा करने की उसने मुझे रास्ते बता दिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कस्टमर के प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर रहे हैं या आप उनके गोल अचीव कैसे करवा रहे हैं। बजाय सेल्स करना, बजाय चिपकाना, ये सारे काम की जगह आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। और एक बात जो मैंने सबसे पहले आपसे बोली, प्रोडक्ट समझना बहुत जरूरी है और आपको इस बात को दिमाग में बिठाना है कि आपका प्रोडक्ट जो बिकता है उसमें 90% कन्विक्शन होता है आपके प्रोडक्ट नॉलेज का। मतलब आप अपने प्रोडक्ट से कितना सेटिस्फाइड है वही दिल से निकल के आता है, और जब वो दिल से निकल के आता है तो 90% आपका कन्विक्शन काम करता है और 10% काम करता है कम्युनिकेशन, कि आपने अपने कन्विक्शन को कितने अच्छे तरीके से आपने कस्टमर को कम्युनिकेट किया। इजी, मैं और इजी समझाता हूं। मान लीजिए आप वाटर प्यूरिफायर बेचते हैं, तो आपको वाटर प्यूरिफायर के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए कि सेडिमेंट फिल्टर क्या करता है, मिनरल फिल्टर क्या करता है, आरओ का क्या काम होता है, और आप खुद उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे होंगे तो आप बहुत कन्विक्शन से बोल पाओगे कि सर इस प्रोडक्ट को मैं खुद यूज कर रहा हूं और मैं आपको श्योरिटी से बोलता हूं यदि आपको प्रोडक्ट पसंद ना आए तो आप मुझे प्रोडक्ट वापस दे देना। तो ये होता है, आपने 10% बस क्या किया, कम्युनिकेशन किया, बाकी 90% आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखों ने, आपकी बातों ने उसको कन्विक्ट कर दिया कि यार ये प्रोडक्ट सच में बहुत पावरफुल है, तब तो ये भी यूज कर रहा है। MLM कंपनी वाले क्या करते हैं, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वाले हैं वो सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करना सिखाते हैं। वो बोलते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट के यूजर बनो, फिर प्रोडक्ट की शेयरिंग करो, उसके बाद उनको कस्टमर बनाओ। मतलब पहले प्रोडक्ट खुद यूज करो, आपको अच्छा लगता है तो आप अपने लोगों को यूज करवाओ, मतलब शेयर करो एक्सपीरियंस, और जब उनको भी प्रोडक्ट अच्छा लगे
तब उनको अपना कस्टमर बनाओ, तब उनको अपने सिस्टम में लेके आओ, तब उनको अपने नेटवर्क में लेके आओ। उनका 3S का मंत्र होता है, पहला सेल्फ यूज, दूसरा शेयर, तीसरा स्पॉन्सर। आप कस्टमर को वही प्रोडक्ट बेचिए जो आप यूज कर रहे हो, तो आपको बहुत आसान होगा कस्टमर को कन्विंस कर पाना। सेल्स हमेशा आपके एंथुजियाज्म का ट्रांसफर होता है, मतलब आप कितने मोटिवेटेड हो, आप कितना बेहतर तरीके से अपनी बात को रख पा रहे हो, कितने एनर्जी से, कितने कन्विक्शन से बात को रख पा रहे हो। यदि आपने एनर्जी फील करवा दी तो आपकी सेल हो गई। और दूसरी चीज, रिलेशन, जो मैंने पहले भी बोला, मैं फिर से रिपीट करता हूं, पहले रिलेशन बनाइए, बाद में सेल्स करिए। अब इसके बाद एक बात और ध्यान रखिए, अक्सर हम क्या गलती करते हैं, अपना माल बेचने के चक्कर में ऑफर पे ऑफर, ऑफर पे ऑफर, ऑफर पे ऑफर दे देते हैं। यदि आपने अपने प्रोडक्ट का डेमो अच्छे तरीके से कर दिया है और कस्टमर से फिर आपने पूछा कि सर आपका मैं चेक किस नाम से बनवाना है, आपका बिल किस नाम से बनवाना है, कितने का, कितने दिन में आपको प्रोडक्ट चाहिए, उस समय यदि वो बोलता है कि यार कुछ स्कीम तो दो, कुछ ऑफर तो दो, तो पहले आप सामने वाले से पूछिए कि सर वैसे तो इसमें कोई भी ऑफर अवेलेबल नहीं है, इसमें बहुत मार्जिन का ऐसा लफड़ा है, फिर भी मैं आपकी बात रखने की जरूर कोशिश करूंगा, आप बताइए आप इसमें क्या बेस्ट मुझसे चाहते हैं। और जब भी यदि आपका कस्टमर डिस्काउंट मांगे, यदि आप एक अच्छे सेल्समैन हैं, तो आप डिस्काउंट देने की जगह आप कोशिश कीजिए डिस्काउंट की जगह कोई दूसरी वैल्यूएबल चीज दे दीजिए। यदि आप पैसा डिस्काउंट करोगे तो कस्टमर के सामने आपकी क्रेडिट ये बन जाएगी कि आप बहुत ज्यादा मार्जिन रख के काम करते हो। हमेशा कोशिश कीजिए कि आप नेगोशिएशन के टाइम पे कोई दूसरा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट दे दीजिए। मान लीजिए कि मैं टैली का कोर्स करवाता हूँ, मेरा बिजनेस है टैली का कोर्स प्रोग्राम बेचना। मेरा कोई कस्टमर आया, उसने कहा सर मुझे टैली तो करना है पर कुछ डिस्काउंट दीजिए, तो मैं उससे कहूंगा देखो बेटा ये 5,000 के कोर्स के साथ मैं तुम्हें 2,000 का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री, पर हमारा रूल है हम पैसे कम नहीं करते। आपका कस्टमर समझदार होगा तो कहेगा हाँ यार 2,000 का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट तो मिल ही रहा है, मुझे ये यूजफुल भी है। आप उसको चॉइस दे दीजिए कि तुम चाहो तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लो, आप चाहो तो कंटेंट मार्केटिंग का कोर्स कर लो, और आप चाहो तो बेसिक एमएस का कोर्स कर लो। आपको कोई भी कोर्स करना है, ये 5 कोर्स में से आप कोई भी एक कोर्स हमारा चूज कर सकते हो एज अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट। आपके कस्टमर को लगेगा यार ये वैल्यूज देने में विश्वास रखते हैं। तो आपको नेगोशिएशन के समय पे ये सारी बातों को ध्यान रखना है, आपके तरफ से ऑफर नहीं देना है, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट, कैश ऑफर प्रोडक्ट दे दो, पर आप उनको 10,000 में 2,000 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं देना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिए, हमेशा आपका जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट आपके कस्टमर की शांति में बिकता है। समझे आप इसका मतलब, आसान भाषा में समझाता हूं। आप बहुत ज्यादा पटपट 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 बोलेंगे तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा, आप थोड़ा सा बोल के शांत रहेंगे और आपके कस्टमर को डिसीजन लेने के लिए टाइम देंगे तो आपका प्रोडक्ट जल्दी बिकेगा, क्योंकि आपके कस्टमर को ये लगना चाहिए कि आपने जो बातें बताई हैं आप अपनी बातों में कॉन्फिडेंट हैं, आप अपने काम में कॉन्फिडेंट हैं, आप अपनी डील में कॉन्फिडेंट हैं, तो आपको जो कुछ भी होगा वो आपके फायदे का है। जब उसको ये बात महसूस होगी कि आपने जो डील दी है वो कस्टमर के फायदे की है, तो आपका प्रोडक्ट शानदार तरीके से बिकेगा। अब देखिए, इसके बाद भी हो सकता है आपका कस्टमर बोल दे मुझे ये प्रोडक्ट नहीं लेना, सो व्हाट, अब क्या करना है आपको, आपको पॉज लेना है। और यदि आपने 100% एफर्ट लगाया है, आपको पता है कि आपने 100% एफर्ट लगाया और उसके बाद भी सेल्स नहीं हुई है, कोई बात नहीं, गो टू न्यू ऑप्शन। हमेशा नो का मतलब होता है न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन, डोंट वरी। यदि सेल्स नहीं हुई है, आपने अपना 100% दिया है, तो मेक श्योर करिए कस्टमर को आपने जो जो भी इंफॉर्मेशन दी है, जो भी जानकारी दी है, वो आपने अपने खुद के कैपेबिलिटी के हिसाब से बेस्ट दी है, तो आप निश्चिंत हो जाइए आपका कस्टमर आपको वापस बुलाएगा ही बुलाएगा। वहां पे आपको सबसे पहले ये एनालाइज करना है कि आपसे क्या क्या मिस्टेक हुई, आपने जो भी मिस्टेक की। देखिए हम इंसान हैं, इंसान गलतियों का पुतला होता है, आप और हम गलतियां करते रहेंगे, जब तक जिंदा है तब तक गलतियां करेंगे, पर गलतियां करने के बाद एक बात ध्यान में रखिए, एक ही गलती बार बार नहीं करना है, एक गलती एक बार करिए, उससे सीखिए, फिर नई गलती करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो भी गलतियां हो रही हैं उन गलतियों से सीखिए, उन गलतियों से लर्निंग लीजिए और अपनी गलतियों से अपने आप को अपग्रेड करिए। और हर सेल्समैन के लिए मैं एक आपको जो मंत्र बता रहा हूं,
जिसने भी इस मंत्र को फॉलो कर लिया उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, उसके लिए सेल्स चुटकी वाला काम हो जाएगा। पर डे कम से कम 90 मिनट अपनी लर्निंग पे अपने आप को अपग्रेड करने में इन्वेस्ट करिए। 15 मिनट उसमें से इन्वेस्ट करिए अपने गोल्स के ऊपर, अपने ड्रीम्स के ऊपर, अपने विजुलाइजेशन के ऊपर, और 1 घंटे से 1.25 घंटा कोशिश कीजिए आप अच्छी बुक्स पढ़ें, आप अच्छे ऑडियो देखें, आप अपने मेंटर से सलाह ले सकें। जो भी लाइफ में आपका मेंटर है, जो भी आपको, जिसको भी आप मेंटर मानते हैं, वो आपके आध्यात्मिक गुरु भी हो सकते हैं, वो आपके सेल्स गुरु भी हो सकते हैं, वो आपके कोई भी प्रकार के गुरु हो सकते हैं। कोशिश कीजिए उनसे कनेक्ट होने की। यदि आप उनसे फोन पे बात नहीं कर पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, तो उनके ऑडियो वीडियो तरीके से कुछ भी चीजें देखिए। किसी भी प्रकार से 90 मिनट पर डे इन्वेस्ट करिए, 15 मिनट इन्वेस्ट करिए अपनी विजुअलाइजेशन के ऊपर, गोल के ऊपर, लाइफ की क्लैरिटीज के ऊपर, अपने ड्रीम्स के ऊपर, और 75 मिनट इन्वेस्ट करिए, जिसमें से 1 घंटा दीजिए लर्निंग के लिए और 15 मिनट दीजिए ग्रेटिट्यूड के लिए। क्या आपने अच्छा किया, क्या सुधारा जा सकता है, क्या और नया करना है इसकी प्लानिंग में। सो आपको 90 मिनट्स को 15-15 मिनट के दो भाग और 1 घंटा का तीसरा भाग करके यदि ये काम आपने प्रतिदिन कर लिया तो आपको सेल्स चैंपियन बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये हो गई बेसिक चीजें। इसके बाद आपको प्रोडक्ट बेचते समय एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कुछ और पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं, ये बोनस पॉइंट हैं जो मुझे लगा कि प्रेजेंटेशन में मैं कवर नहीं कर पाया हूं, सो मैं उनको कहीं पे और आपके साथ कवर करूं। सो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन चीजों को आपको अपने अपने अंतरात्मा से समझना है। वो होता है कि यदि आप किसी कस्टमर को कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो आप खुद खरीदना नहीं चाहोगे तो आप ऐसा प्रोडक्ट मत बेचिए। आप यदि ऐसा कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप सेल्स नहीं कर रहे हो, आप चीटिंग कर रहे हो। यदि आप अपने कोई प्रोडक्ट को, मान लीजिए मैं कोई फूड सप्लीमेंट बेचता हूं, यदि वो फूड सप्लीमेंट मैं खुद खरीद के खा रहा हूं तो ही वो प्रोडक्ट मैं बेचूंगा ना, तो मैं अंतरात्मा से बेच पाऊंगा। और यदि मैं केवल अपने प्रॉफिट के लिए उस प्रोडक्ट को बेच रहा हूं तो उस प्रोडक्ट को बेच के मैं अपनी दाल रोटी तो चला रहा हूं पर मैं अपने कस्टमर के साथ जस्टिस नहीं कर रहा हूं। और ऐसे लोग फ्यूचर में एक कस्टमर को एक ही बार प्रोडक्ट बेच पाते हैं। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, ये बहुत गंभीर गलती है जिसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम डे टू डे ऑपरेशंस में फंसे होते हैं, हमें रोज कमाने रोज खाने की आदत होती है। सो मैंने शॉर्ट में मैं जो बेस्ट आपके लिए प्रेजेंट कर सकता था वो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं आपको, पर मैंने जो कुछ पॉइंट बोले हैं उन पॉइंट्स को आप बहुत गहराई से समझिए कि आपको हंटिंग नहीं करनी है, आपको फार्मिंग करनी है और आपको बिजनेस की पाइपलाइन बिल्ड करनी है। ये दो चीजें यदि आप समझ गए तो आपकी लाइफ में गेम चेंज हो सकता है, आप बहुत अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं। तो कैसा लगा आज का सेशन आपको? Isn't it exciting? बहुत ही important session था. In fact, personally, मैं मेरा level पे बात करूं तो मुझे तो बहुत सारी चीजें सीखने मिली, जिसमें से सबसे पहली चीज क्वांटिफिकेशन। हमें हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू को क्वांटिफाई करके सामने वाले को दिखाना है कि हमारी सर्विसेज या हमारे प्रोडक्ट्स लेने से उनके कितने रुपए का फायदा होगा। दैट इज रियली अ ग्रेटेस्ट लर्निंग। और बिलीव मी, अगर आप ये चीज को अच्छे से समझ जाओगे तो फ्यूचर में आपको आपकी सेल्स डील क्लोज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारी और भी चीजें सर ने सिखाई आपको, रिलेशन मेंटेन करना कस्टमर के साथ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको कितना अच्छे से जानकारी है, आप कितना कन्विंस्ड हो, आपका कन्विक्शन पावर कितना अच्छा है। ये सारी चीजें मायने रखती है जब आप कोई सेल्स की डील क्लोज करने जाते हो। ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम अगले सेशन में कवर करने वाले हैं। सो अगला सेशन जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग वीडियोस आपको यहां पर मिलने वाले हैं। और अगर आप किसी भी ऐसे फ्रेंड को जानते हो जो इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहा है, सेल्स में काम करना चाहता है, मार्केटिंग में, एडवर्टाइजमेंट में काम करने वाला है या तो ऑलरेडी कर रहा है, तो ये वीडियो 100% उसे काम लगेगा। आप जरूर उनको शेयर कीजिएगा। विद दिस आई एंड दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू सो मच।